हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर जो डिस्क शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम कर रहे हैं तो उनका आज हम एक कंबाइंड वीडियो करेंगे जहां पे हमारे पास 6 एल्गोरिथम थे डिस्क शेड्यूलिंग के। उन 6 के 6 एल्गोरिथम को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो का आप लोगों को फायदा क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, और जो भी कंफ्यूजन कई बार देखो आती है कि कौन से एल्गोरिथम में हमें क्या अप्रोच थी, कई बार इससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो आज समय वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं ये एल्गोरिथम। देखो हमारे पास जो 6 एल्गोरिथम है, 6 के 6 एल्गोरिथम में हम जो गैल्विन की बुक का एग्जाम्पल है उसी को लेंगे जहां पर हमें ये रिक्वेस्ट दे दी गई है। और ये बताया गया था कि आपके पास जो स्टम करंट जो रीड राइट हेड है वो कहाँ पे है, 53 पे। तो इसी को यूज करते हुए एल्गोरिथम को हम बनाते हैं कि क्या चीज थी। तो पहला एल्गोरिथम हमारे पास आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी FCFS। इसके अंदर इस एल्गोरिथम में क्या अप्रोच थी कि जो भी हमारे पास ट्रैक की रिक्वेस्ट पहले आती है हम उसको सर्व करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट क्यू के अंदर जिस ऑर्डर में हमारे पास रिक्वेस्ट होगी हम एक एक करके उनको सर्व करते जाएंगे। देखो इसके अंदर जो डायग्राम बनता है कैसे बनेगा कि करंटली 53 पे, हम 53 से हम कहां गए, 98 पे। ठीक है जी, यहां से देखो 98 पे, 98 से 183 पे, 183 के बाद हमने बैक लिया 37 पे आए, देन 122 पे, उसके बाद 14 पे, देन 124 पे, देन 65 पे और देन 67 पे। इस तरीके से हमारा जो डायग्राम बनेगा और जो ट्रैक में हमारा जो मूवमेंट होती है रीड राइट हेड की वो इस तरीके से मूव करेगी। ओके, तो इसका जो आप आंसर निकालोगे कितना क्या टाइम लगा है, कितनी मूवमेंट आई, वो आपके पास 640 आएगी। इसका डिसएडवांटेज यही है कि भाई इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कम से कम गारंटी होती है हमें ये कि हाँ हर रिक्वेस्ट को जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा, मतलब सबको रिस्पांस मिलेगा इन द सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये चीज 640 आती है। इसका अगर आप आंसर देखो चेक करना चाहो, मैं एक वीडियो में बताता हूँ अभी कि कैसे निकालना है, देन आप सब में इसको फॉलो कर लीजिएगा। 53 से हम देखो कहाँ पे गए, 98 पे, मतलब अगर डायरेक्शन में शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर 53 से 98 और उसके अगर हम एक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जहां तक हम आखिरी में गए उसको आप लिखो 183 को लिखा, और यहां से गए चले कितने थे 53 से, तो इसको माइनस कर दीजिए, देन प्लस करेंगे हम 183 से हम कहां पे आए 37 पे, तो यहां पे क्या करेंगे हम 183 से लिखेंगे माइनस 37, 37 माइनस 183 गलती से भी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और हमारी मूवमेंट नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती। देन देखेंगे, देखो अब ये राइट साइड में मूव कर रहा है तो यहां से ये 122 तक गया है, तो सेम 122 से माइनस 37, देन 122 से ये कहां पे गया 14 पे, तो सिंपल वही करेंगे 122 माइनस 14, देन इसके बाद क्या 14 से कहां गया, वो यहां से गया 124 पे, तो क्या करने वाले हैं 124 माइनस में 14। अब हम आ चुके हैं 124 तक, 124 से हम कहां जा रहे हैं 65 तक, तो क्या करेंगे 124 माइनस में 65 और ये प्लस पीछे प्लस, देन 65 से कहां गए 67 पे, यानी कि 67 माइनस में 65। बस इस प्लस चीज का याद रखना, इसका आंसर आपके पास 640 आएगा। ओके, अब चलते हैं हमारा जो दूसरा एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी SSTF। इसके अंदर क्या अप्रोच होती है, ये कहता है कि जो भी हमारे पास जहां पे हमारा स्टम करंट पे रीड राइट हेडर है वहां से जो भी हमारे पास पढ़ रहा होगा हम उस पे जाएंगे, देन उस पे जाने के बाद फिर उसके पास जो पढ़ रहा होगा उस पे जाएंगे, यानी शॉर्टेस्ट जिस पे मेरा टाइम लग रहा होगा उस पे जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे अगर 53 पे थे और इस रीडिंग के हिसाब से हमारे पास 65 सबसे पहले आता है तो 65 पे गए, देन 65 के बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सा आता है 67, 67 पे जाएंगे, 67 के बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सा आता है 37, बट यहाँ पे कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, वो 98 पकड़ लेते हैं 67 के बाद। अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो आपके पास डिफरेंस एक की वैल्यू को आएगा, यहाँ पे आपके पास 30 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे 67 में से 98 का करोगे डिफरेंस तो आपके पास 31 आएगा। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, उसका जरूर ध्यान रखिएगा।
तो ये 37 के बाद 14 आएगा पास में, देन 14 के बाद हमारे पास 98 आता है बचे हुए में से, देन 122, देन 124, देन 183. तो इनका भी अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो आपके पास 236 आने वाला है इसका मोमेंट टाइम. तो इसकी एडवांटेज क्या है कि सबसे कम टाइम लेने वाला एल्गोरिथम ये है, बट हो सकता है कि स्टार्वेशन किसी रिक्वेस्ट में आ जाएगा, कोई वर्स्ट केस आ जाए तो उस केस में स्टार्वेशन आ सकती है. देन जो हमारे पास थर्ड एल्गोरिथम आता है स्कैन, जिसे हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं. उसके अंदर क्या अप्रोच होती है, इसमें क्या करता है कि स्कैन करता है, स्कैन गोज टू द एंड ऑफ द ट्रैक इन विच डायरेक्शन इज गिवन. यानी कि हमें एक डायरेक्शन दी होगी तो उस डायरेक्शन के हम बिल्कुल आखिरी तक जाएंगे. यानी कि क्वेश्चन में जैसे मेंशन होगा कि आपको हाई ऑर्डर की तरफ जाना है, मतलब हाई वैल्यू की तरफ जाना है, तो कैसे लेंगे. 53 पे तो इसके हाई ऑर्डर मतलब हाई वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है इनका 53 के हिसाब से हायर वे में देखेंगे तो पहले आता है 65 पे जाएंगे, वहां से 65 से 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन 183. देन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या कहता है कि भाई यहां से हमें बोला है कि एंड ऑफ द ट्रैक जाएंगे इस तरफ की डायरेक्शन का, एंड क्या हमारे पास 199, तो हमें ये एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा यहां से 183 से 199. देन जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे ट्रैक के तो क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे. अब दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो यहां से चलेंगे और कौन सा आएगा सबसे पहले हमारे पास 37, यहां पे जाएंगे, देन उसके बाद कौन सा बचा हुआ है इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, तो यहां पे आ गया 14. ठीक है जी, बट याद रखना कि हमें 14 के बाद जीरो पे नहीं जाना, ये जरूर याद रखना. ओके, तो ये स्कैन एलिवेटर एल्गोरिथम के अंदर ये चीज होती है. देन इसी का जो दूसरा वर्जन है सी स्कैन, यानी सर्कुलर स्कैन, जिसके अंदर क्या होता है गोज एंड ऑफ बोथ ट्रैक, दोनों ट्रैक के एंड पे जाते हैं. सेम अप्रोच, इस ऑर्डर में जाएंगे तो यहां पे बिल्कुल आखिरी तक जाना है 199 में, और दूसरी तरफ भी हमें दूसरे ट्रैक के भी एंड तक जाना है. तो यानी जब पीछे की तरफ आएंगे तो पहले क्या करेंगे, इस तरफ के बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक जाएंगे जो है जीरो. इस बीच में हम कुछ भी किसी भी ट्रैक को स्कैन नहीं करने वाले, ना उनकी डेटा को रीड करने वाले, ना उनके डेटा पे राइट करने वाले, सीधी सी बात. इसके बाद क्या करना है, जब जीरो पे आ जाएंगे तब देखेंगे कि हमें अब वैल्यूज क्या है. इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 14 को लेगा, देन 37 को लेगा. ओके, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि कैसे होता है. यहाँ पे सिंगल एक डायरेक्शन में जाके हम क्या करते हैं, वापसी जीरो पे नहीं जाते. तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में जाना है तो क्या करेगा, यहाँ पे एंड तक जाएगा लेके, देन जीरो पे जाके फिर वापसी आएगा. ये चीज अगर ध्यान में रखोगे कि दोनों तरफ जाना है तो इस तरफ जीरो पे जाते वक्त आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे बीच में किसी को स्कैन नहीं करना. तो डिसएडवांटेज के हमारे पास ये वाली लाइन एक्स्ट्रा मूव करनी पड़ती है, समवेयर हमें ये लाइन भी एक्स्ट्रा मूव करनी पड़ती है, क्योंकि पहले वाले केस में क्या होता, हम यहाँ पे आके स्कैन करते थे, यहाँ पे आके स्कैन कर लेते, काम हो जाता. बट अब हमें क्या करना पड़ा है, ये और ये एक्स्ट्रा मूव करना पड़ रहा है अगर कंपैरिजन करें तो स्कैन के हिसाब से. ओके, देन हमारे पास जो पांचवा आता है वो आता है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसके अंदर क्या होता है कि हम इट लुक्स फॉर द लास्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रीड राइट हेडर. यहाँ पे सबसे अच्छा चीज क्या है कि यहाँ पे हम लास्ट जो हमारी पेंडिंग हमारे पास रिक्वेस्ट होती है हम उसको देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जैसे ये क्वेश्चन में सेम मैं हाई ऑर्डर पे लेके चल रहा हूँ हर किसी को, तो सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, चलते जाएंगे 65 को असेस करेंगे पहले हाई ऑर्डर की तरफ से, देन 98 को, देन 122 को, देन 124 को, देन 183 को. जब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि हमें ये जो एक्स्ट्रा है उसको मूव नहीं करना, उसने यही बोला कि हम कहां तक मूव करेंगे, एंड जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है वहां तक जाएंगे. लास्ट रिक्वेस्ट इस डायरेक्शन में कौन सी है, 183, चले गए. देन हमारे पास कौन से बच्चे, 37 और 14, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, टर्न करके जो अब हमारे बीच में आता जाएगा सेम ये तरीका यहां से उसको स्कैन कर लेंगे. 37 आया 37, 14 आया 14 को. ओके, तो बेनिफिट क्या हुआ,
एक तो ये एक्स्ट्रा टाइम बच गया, दूसरी चीज अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम या ये जो लग रहा था ये यहाँ पे बच गया पूरा का पूरा, और साथ ही साथ ये टाइम बच गया। ठीक है, तो काफी अच्छा, ये दूसरों के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। देन हमारे पास आता है सी लुक यानी सर्कुलर लुक, जो कि इसी का पार्ट है। क्या कहता है वो कि इट लुक्स फॉर द लास्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेडर सर्कुलरली, जिसका मतलब क्या है, देखो ट्रैक मूव करना शुरू कर रहा है सर्कुलर वे में, तो क्या करेगा ये यहां पे जाएगा, 83 पे जाने के बाद वो 199 पे नहीं जाता, यहां पे वो वापसी ले लेता है। वापसी लेने के बाद देखो सेम जो चीज है, इसके फीचर्स तो उसके अंदर आएंगे आएंगे, बट जो चीज सर्कुलर में है 199 पे जाता है, जब वापसी आता है तो क्या करेगा ये पहले उस पेंडिंग रिक्वेस्ट पे जाएगा जो आखिरी में है। आखिरी में इसके पास क्या है 14 के बाद ये क्या करेगा अपनी इस डायरेक्शन को पकड़ेगा और जो आएगा उसको लेके जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में आपको रिजल्ट देने वाला है, यानी कि अगर आपने हायर ऑर्डर में मान लिया तो ये हायर ऑर्डर में ही स्कैन करेगा। देखो कैसे, अगर आपको हायर ऑर्डर में जाना है यानी राइट हैंड साइड में, तो क्या है यहाँ पे गए, जब वापसी में आया तो किसी को स्कैन नहीं किया, ठीक है जी, मगर जब जैसे ही मुड़ने लगा तो पहले इसको स्कैन किया और फिर 37 को, यानी इस डायरेक्शन के अंदर ही ये चीजों को स्कैन करता जा रहा है। तो ये याद रखिएगा लुक और सी लुक के अंदर क्या चीज है, ये सर्कुलरली करता है, तो यहाँ पे ये सारी पहले चीजें को ले लेता है लुक वाले में, बट सी लुक में पहले मूव करके जाएगा। सी लुक में हमेशा याद रखना हमारे पास टाइम हमेशा एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट में चलते हैं, तो यहाँ पे 14 तक जाएगा फिर वापसी ट्रैक करेगा और इस ट्रैक को पकड़ लेगा। ओके, तो ये थे हमारे पास 6 एल्गोरिथम, इनके डायग्राम से आपको काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हमारे पास एल्गोरिथम क्या अप्रोच लेके आई थी। तो यहाँ पे सबके मैंने लिखे हुए कि कितना इनके अंदर टाइम लग रहा है, तो सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे तो समवेयर शॉर्टर सीक टाइम फर्स्ट के अंदर हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बट हर किसी के अपने डिसएडवांटेज है, किसी के एडवांटेज है, हर किसी को हम उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई स्टैटिक वे में बेस्ट है, कोई डायनेमिक वे में बेस्ट है, तो हर किसी का अपना प्रॉफिट अपना लॉस है। बट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जब आएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो सीधा आता है कि एक्सप्लेन द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो आपको 6 के 6 एल्गोरिथम बताने पड़ेंगे, या डिफरेंस में आ जाएगा, स्कैन लुक में आ जाएगा, स्कैन सी स्कैन में आ जाएगा, लुक सी लुक, जैसे मर्जी आ सकता है, तो उसको कर लीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे और भी जो हमारे फाइल सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक हो गए, जो और भी कॉन्सेप्ट है पेपर में कैसे आया क्वेश्चन, उसको हैंडल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो हमारे इससे रिलेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट की बात करूं, जो आपको इस सेमेस्टर या आने वाले अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उसका 90% सिलेबस करवाया हुआ है, आप जाके उसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी लास्ट यूनिट है, इसका ये फर्स्ट सेक्शन है, इस यूनिट के अंदर 3 सेक्शन आते हैं बेसिकली, तो फर्स्ट सेक्शन ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे या कोई और चीज़ देखेंगे, बट इसे कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।